सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। एंड हमारा ये सेकेंड वीडियो है रिलेटेड लद्दाख। तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, बजट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। अपना ये सेकेंड पार्ट है रिलेटेड लद्दाख। ये वीडियो में रूट प्लान होने वाला है, आइटनरी बनने वाली है लद्दाख के ऊपर, मुंबई टू लद्दाख के ऊपर और डन जर्नी के ऊपर। सो बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो कसा का यूट्यूबर्स, मी हेमंत फ्रॉम चिमुल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनकर हेमंत। सो गाइज, ऐसा है कि लद्दाख का सीजन अभी चालू हो चुका है। सो जून से लेके सितंबर एंडिंग मिड तक ये जो सीजन होता है लद्दाख का, इसके लिए आपके ऊपर, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। रूट प्लान कैसे कैसे जाना है आपको, कहाँ कहाँ रुकना है और कहाँ का आपका कोविड टेस्ट होने वाला है, कहाँ का आपका चेकिंग होने वाला है, ये सब ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखिए वीडियो, आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको लद्दाख जाना है 2021 में, क्योंकि लॉकडाउन के बहुत बहुत से प्रिकॉशंस आई है, बहुत से रूल्स एंड पॉलिसीज आए हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो ये जर्नी आपका 18 डेज के होने वाला है और उसके ऊपर मैं रूट प्लान बनाने वाला हूँ। और रूट प्लान फर्स्ट आपका होगा मुंबई टू अहमदाबाद, दैट इज 533 किलोमीटर्स का है। ये डे वन है आपका। इसमें आपको मॉर्निंग में जल्दी निकालना है, कुछ नहीं, 7 बजे निकलोगे तो आराम से आप 7:30-8 o'clock को पहुंच जाओगे। वो 100 किलोमीटर्स के बाद रुकना है कुछ भी करके, क्योंकि बाइक को आराम देना बहुत ज़रूरी है, बाइक को ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा गर्म होने के कारण आपकी बाइक बंद भी हो सकती है। डे टू आपका होगा अहमदाबाद टू अजमेर, दैट इज़ 537 किलोमीटर। आप देख लीजिए 537 किलोमीटर्स ही होगा। सो यहाँ भी आपको जल्दी निकालना है 6 बजे और जल्दी पहुँचना है वो जगह पे अजमेर में, क्योंकि क्या तरह रोड्स ख़राब है बीच बीच में। और यहाँ आपका फिर से जो कोविड टेस्ट होता है, जो RT-PCR टेस्ट होता है, वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चेक पोस्ट होगा, नाम लेंगे और आपका जो रिलेटेड आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सब ये चेक पोस्ट पे होगा, जो कि अहमदाबाद और अजमेर के बीच में होगा, तब होगा चेक। इसके बाद आपका आता है रूट प्लान जो है अजमेर टू दिल्ली, दैट इज 397 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा खुद के पैसे से, क्योंकि आपका जो RT-PCR टेस्ट होता है वो 72 या 92 आवर्स का होता है। सो आपका तीन दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता है। सो आपको यहाँ पे टेस्ट करना होगा, फिर से आपको आगे के लिए बढ़ना होगा, दिल्ली में टेस्ट कीजिए, अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, दिल्ली से लेके जम्मू तक आपका किलोमीटर है 597 टोटल। ये जो टोटल किलोमीटर्स है वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपको सुबह सुबह जल्दी निकालना है, क्योंकि पहुँचते आपको 8 भी बज सकते हैं, 9 भी बज सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस है दिल्ली टू जम्मू का। तो 597 दैट इज़ ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स है। तो इससे अच्छा है आप जल्दी निकलो और जल्दी पहुँचोगे, क्योंकि रात के टाइम चलाना बहुत रिस्की है थोड़ा, वो साइड पे आपको पता नहीं जाएगा, आप नए हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, जो एक्सपीरियंस राइडर है उनके लिए तो ठीक ही होगा। और सेकेंड थिंग, जम्मू में जब आप पहुँचते हो तो आपको एक रैपिड टेस्ट, कोविड टेस्ट होता है, या फिर आपने पहले से ही जो RT-PCR टेस्ट किया होगा तो बहुत ही अच्छा है, या फिर जम्मू में भी रैपिड टेस्ट होता है, उन लोग वहाँ पे रिजल्ट देते हैं फटाक से, या फिर उन लोग खुद बोलते हैं कि आप निकल जाओ आगे के लिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ऐसा भी होता है, पर आपके पास पहले आपने दिल्ली में RT-PCR टेस्ट किया ही है तो आपको सिर्फ वो रिपोर्ट दिखाना है और उन लोग एक लेटर देते हैं, या फिर आप परमिट बोल सकते हो उसको, वो देते और फिर आपको आगे जाने देते हैं। क्योंकि जम्मू में जब आप पहुँचते हो उनके बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर होता है जो बड़ा, जब एंटर करते हैं वहीं पे टेस्ट हो रहा है और वहीं पे आपको दिखाना है, तभी आपको जाने मिल रहा है अंदर। उसके बाद आपको जम्मू टू पटनी टॉप करना है, दैट इज 111 किलोमीटर्स। पहाड़ी इलाका होगा, आपको थोड़ी देर लगेगी पहुँचने के लिए, पहाड़ी इलाकों में आपको मालूम है आपको 20 या 30 की स्पीड पे चलाना पड़ता है, जम्मू छोड़ने के बाद आपको पहाड़ी, पूरा पहाड़ी इलाका लगेगा। तो इससे अच्छा है आप फिर से जल्दी निकलो, फिर जल्दी पहुंचो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े कर्व्स है, तो संभाल के चलाना, बहुत ही संभाल के चलाना। इसके बाद आपका रूट प्लान होगा पटनी टॉप टू श्रीनगर, दैट इज 186 किलोमीटर्स। ओके, पटनी टॉप टू श्रीनगर, इसके बीच में एक जवार टनल करके आता है, ठीक है, ये टनल क्रॉस करने के बाद आपको कश्मीर लगता है,
ठीक है। कश्मीर में थोड़ा रोड्स खराब है, मतलब जवाहर टनल क्रॉस करने के बाद जो कि फर्स्ट टनल मिलेगा आपको, बहुत ही लंबा टनल है, इसके बाद आपको कश्मीर लग जाएगा, कश्मीर के पहाड़ियों में आप पहुंच जाओगे। और श्रीनगर में पहुंचने के बाद आपको दाल लेक पे रुकना है। दाल लेक पे आप होटल ले सकते हो या फिर हाउस बोट ले सकते हो। बहुत सी ऐसी जगह है घूमने वाली, अगर आप स्टे कर रहे हो एक दिन के लिए तो स्टे कर रहे हो, या फिर आप जल्दी निकल के मॉर्निंग में समझो आप 6 बजे निकलो तो आप 5-6 बजे तक पहुंच जाओगे आराम से, 5 बजे तो पहुंच जाओगे आराम से, क्योंकि 186 किलोमीटर से ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा चलाने के लिए, और ट्रैफिक होगा तो 1 घंटा डिले हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। 2018 में रोड्स बहुत खराब थे, मतलब तभी बन रहे थे रोड्स, अभी बन नहीं रहे, अभी बंद हो चुके होंगे। तो सजेशन है कि दाल लेक पे रुकिए और हाउस बोट का मजा लीजिए। इसके बाद आता है आपका श्रीनगर से कारगिल। ओके, श्रीनगर टू कारगिल आपका है 201 किलोमीटर्स। फिर इसके बीच में आपको कारगिल मेमोरियल वॉर मिलेगा, ठीक है, जो कि अपने शहीद जवान जो कारगिल वॉर में जब शहीद हुए थे उनके ऊपर ये मेमोरियल बनाया हुआ है, मेमोरियल वॉर बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जा सकते हो। जैसे आपने द्रास क्रॉस किया, ठीक है, श्रीनगर से कारगिल के बीच में एक द्रास करके एक जगह आती है, छोटी जगह है, वो जैसे ही आप छोड़ोगे तो उसके 2 या 3 किलोमीटर के बाद आपको कारगिल मेमोरियल वॉर मिलेगा देखने के लिए। बहुत अच्छी जगह है, देखिए आप, हमारे जवानों की हिस्ट्री पढ़िए वहाँ पे, उन लोग एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाते हैं वहाँ पे, बहुत सारी, मतलब हम लोग ने उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान वॉर के टाइम पे हम किस तरीके से हम लोग ने जो जंग जीती है वो सब बताएंगे। और सेकेंड थिंग, मेन बात, श्रीनगर से कारगिल कर रहे हो तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना होगा, क्योंकि क्या है, मिलिट्री ट्रक्स जो है वो निकल जाते हैं 8 बजे, 8 बजे के बाद ट्रैफिक जाम होने की चांसेस है वहाँ पे। जब मैं गया था तो लोकल्स, वहाँ के लोकल्स बोलते थे कि 8 साढ़े 8 के बाद इंडियन आर्मी के ट्रक्स निकलते हैं, तो आपको लेट हो सकता है, तो इससे अच्छा आप जल्दी निकलो, 7 या 6:30 7 बजे तक निकलोगे तो भी आप थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे में बहुत कुछ, थोड़े बहुत किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके होंगे। तो यही सजेशन है आपको कारगिल को ले, कारगिल टू ले है 210 किलोमीटर्स। इसके बीच में आपको लेमोरियो मोनेस्ट्री लगेगा। लेमोरियो मोनेस्ट्री बेसिकली वहाँ का फेमस मोनेस्ट्री है जो कि आपको कारगिल से ले जाते वक्त लगेगा, वो देखना है आपको, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। 9th डे होगा ये आपका, और रेस्ट डे होगा, रेस्ट करना है ये दिन पे। ये दिन पे आपको क्या करना है कि आपका जो इंजन ऑयल है, एयर फिल्टर है, वो सब चेक करके लेना है एक मैकेनिक के पास जाके, जो कि आपका जो जो भी है, मतलब बाइक रिलेटेड, स्कूटर रिलेटेड, जो भी आपको टेक्निकल काम करना है ये दिन पे करना है, और थोड़ा आराम करना है। क्योंकि क्या, ये रेस्ट डे क्यों है, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा आगे जाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये ऐसा रेस्ट डे ये क्रिएट किया है। ये आगे हमारा है ले टू डिस्किट, या फिर आप, डिस्किट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, जगह है हुंडर नुब्रा वैली में, डिस्किट जगह है। तो उसके बीच में आपको एक पास लगेगा, दैट इज खारदुंगला, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, 18,000 फीट ऊपर है वो, तो ये सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट पास है जो कि बहुत ही डेंजरस है, डेंजरस इन द सेंस ऑफ रोडिंग बहुत है वहाँ पे जाने के लिए, बर्फ कभी भी गिरती है वहाँ पे, उन वहाँ का मौसम कभी भी चेंज होता है। तो आपको करना क्या है, आपको जल्दी निकलना है मॉर्निंग में, क्योंकि जहाँ तक धूप है तब तक आप जा सकते हो ऊपर, और वहाँ पे आप रुकने के लिए आधे घंटे से ज़्यादा रुकोगे तो आपका सर दर्द हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो सांस लेने को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस लेने के लिए, और ठंडी हो गई थी और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप जल्दी निकलो, जल्दी पहुँचो, और डिस्किट जल्दी पहुँचो, और शाम तक डिस्किट पहुँच जाओगे 5-6, अराउंड 5-6 बजे तक। इसके बाद आता है आपका डिस्किट टू पैंगोंग लेक। ओके, इसके बीच में आपको एक मोनेस्ट्री दिखेगी, डिस्किट मोनेस्ट्री, वो आपको विजिट करनी है जाते वक्त, जो कि रास्ते में लगती है, जो बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है वो आपको देखने मिलेगा वहाँ पे डिस्किट में, डिस्किट और नुब्रा वैली, नुब्रा वैली में ही आता है डिस्किट,
सो ये आपको देखने मिलेगा। यहाँ डिस्किट से पेंगोंग लेक आपका है 2 to 9 किलोमीटर्स, जो कि ऑफ रोडिंग से भरा हुआ है। थोड़े रोड्स मतलब थोड़े अच्छे रोड्स कम है वहाँ पे, कम मतलब 75% अच्छे रोड्स है, 30% ऑफ रोडिंग है। अभी ठीक हो गया होगा रोड्स, काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रोड्स होंगे, क्योंकि मैं जब गया था तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोडिंग था। और रोड्स काफ़ी अच्छे, कोई मिलेगा रोड्स पे, और कर्व्स है रोड पे। जब आप डिस्किट से निकलोगे तो कर्व्स है, उसके बाद जब आप नीचे उतरोगे तो कर्व्स नहीं है, स्ट्रेट रोड है, ओपन रोड है, आपको मालूम गिर जाएगा जब जाओगे। तो D12 होगा आपका पेंगोंग से लेके ले सिटी तक। आपको फिर से ले सिटी आना है, क्योंकि पेंगोंग से आप कहीं और नहीं जा सकते, आपको ले सिटी आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही रोड है। सो सेकेंड थिंग, पेंगोंग से लेके पेंगोंग में आपको मिलेगा स्टे करने के लिए टेंट, वहाँ पे होटल्स नहीं है, सो आपको टेंट ही लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेना, क्योंकि वहाँ पे ठंड होगी। और पेंगोंग लेक इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लेक इन इंडिया। वहाँ का जो जो है लेक का कलर चेंज होते रहता है सनराइज के हिसाब से, कभी ब्लू होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी रेड, कभी ब्राउन होता है। सो आप ये देखना चाहते हो तो ज़रूर विजिट कीजिए वहाँ पे। और सेकेंड थिंग, चांगला पास लगेगा आपको यहाँ पे, जो कि सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है इन द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड मोटरेबल पास, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड है, जो कि वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। वहाँ भी ऑफ रोडिंग है, वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा रोड्स का। कि आप चांगला पास पहुँचोगे तो आपको एक शॉप मिलेगा, होटल मिलेगा खाने के लिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। और पेट्रोल पंप आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप्स की कोई टेंशन नहीं है। इन केस आपका एवरेज कम हो रहा है तो आप इन सेफर साइड 5 लीटर्स का कैन लेके जाइए, वो आपके लिए बहुत है। 5 लीटर्स का कैन बहुत है, क्योंकि जब मैं गया था 2018 में, तब भी पेट्रोल पंप थे, अभी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप हो गए। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि पेट्रोल भरना पड़ता है, क्योंकि आप जितनी बड़ी बाइक होगी आपकी उतना कम एवरेज देगी। तो सजेस्ट करता हूँ कि पेट्रोल पंप है, पर इन केस इमरजेंसी लगेगी तो किसी और को चाहिए होगा, क्या होगा, तो आप पेट्रोल भर लीजिए कैन में, सेफर साइड। ले सिटी में आओगे, ले से अपने आपको अभी सरचू करना है, जो कि आप हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाले हो। तो यहाँ का किलोमीटर है 250 किलोमीटर्स, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी एडवेंचरस रोड है, तो आप 250 किलोमीटर्स कर सकते हो। चढ़ान ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ढलान है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। के बाद आपका आता है सरचू टू मनाली। मनाली और सरचू के बीच में किलोमीटर है, वो है 177 किलोमीटर्स। आपको सरचू से मनाली होते हुए रोहतांग पास होते हुए जाना है। रोहतांग पास इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइस्ट पास इन द वर्ल्ड, जो कि सरचू और मनाली के बीच में आएगा, जो कि वो किलोमीटर है 177 किलोमीटर्स। काफ़ी मतलब टाइम लगेगा, पहाड़ों में तो आपको पता है टाइम ही लगता है। तो सजेशन है कि आप जल्दी निकलो, जल्दी आपका राइड कंप्लीट करो, आपके लिए अच्छा है। जितना दिन में आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके लिए वो रोड्स नहीं होंगे, वो जगह नहीं होगी, तो थोड़ा होटल ढूंढने के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपके बजट में भी होटल मिलना चाहिए। ओके, मनाली टू दिल्ली जाना है आपको। उसके बाद मनाली टू दिल्ली इज़ 531 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 531 किलोमीटर। आप नीचे उतर जाते हो, फटफट हो जाएगा 531 किलोमीटर आपके। यही रूट प्लान है मैंने जो बनाया है, जो कि आपको दिल्ली से लेके अजमेर, अजमेर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, ये जो सेम रूट होने वाला है जाने के टाइम भी। तो ये बहुत ही सोबर रूट प्लान है, बहुत ही अच्छा रूट प्लान है। यही रूट प्लान से मैंने लद्दाख किया था, लद्दाख से लेके मुंबई तक, जो कि बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत यूज़फुल होगा। अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो लद्दाख जाना चाहता है। अगर आपको रूट प्लान बनाना है तो यही रूट प्लान फॉलो करो, क्योंकि आपको इजी गिरेगा। और आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है मुझसे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है चैनल, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और कहाँ आपको रिपोर्ट्स दिखाने हैं और कहाँ से आपको सब मिलेगा, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया है। और सेकेंड थिंग, जो कि आप ले पहुँचोगे तो आपको परमिट भी निकालना है, क्योंकि ले घूमने के लिए हम लोग से अलग अलग परमिट निकालना पड़ता है। उसके लिए 480 रुपीज़ लगेंगे आपको, ठीक है। 480 में, 480 में आपको पेंगोंग लेक, डस्किट, खारदुंगला, नुब्रा वैली
और हाँ ये चार या पांच जगह है जो आप घूम सकते हो, उसके परमिट के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये सब जगहों पे, चांगला पास हो गया, ये सब जगहों पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको परमिट निकालना बहुत ज़रूरी है। और परमिट आपको ले में जिस दिन आपका रेस्ट डे होगा उस दिन आपको परमिट, गाड़ी का जो भी काम होता है, ऑयल, इंजन ऑयल चेंज करना या फिर एयर फिल्टर देखना या फिर गाड़ी रिलेटेड जो भी करना है आपको उस दिन पे कर सकते हो। ये दिन रेस्ट डे भी है और आपको थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर आपको आने वाली वीडियो, बहुत से वीडियोज है लद्दाख रिलेटेड में करने वाला हूँ और भी, तो स्टे ट्यून फॉर इट। और टिल देन डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। बूम।